CSS कास्केडिंग स्टाइल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये सीरीज है। CSS में इसमें सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSS स्टैंड फॉर। CSS की फुल फॉर्म क्या है? CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर द रेफरिंग द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए क्या करेक्ट सिंटैक्स है इन चार ऑप्शन में से? जब हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करते हैं तो हम लिंक एट्रीब्यूट्स का यूज कर लिंक टैग का यूज करते हैं और REL रेफरेंस के लिए हम इसमें एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। स्टाइल शीट लिखते हैं नोटेड कॉमा में टाइप में टेक्स्ट। CSS और HREF एट्रीब्यूट्स में जिस जो हमारी एक्सटर्नल फाइल्स है उसका नेम डॉट उसका एक्सटेंशन नेम CSS लिखते हैं। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। द प्रॉपर्टी इन CSS टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट्स। बैकग्राउंड कलर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं CSS में? बैकग्राउंड के लिए हम बैकग्राउंड कलर फंक्शंस का यूज करते हैं। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द एलिमेंट फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के लिए CSS में हम कौन से फंक्शंस का एलिमेंट्स का यूज करते हैं? फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए हम CSS में फॉन्ट साइज का ही यूज करते हैं। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। द HTML एट्रीब्यूट्स यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल्स के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं? इसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following CSS properties used to set the background image of an image elements? Background image को set करने के लिए हम क्या यूज करते हैं CSS में? इसके लिए हम background image का ही यूज करते हैं। B option इज ए करेक्ट आंसर। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए CSS में हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम फॉन्ट वेट बोल्ड का यूज करते हैं। Which of the following is the correct syntax to make the background color of all paragraph element to yellow? अगर हमें CSS में सभी elements का paragraph के सभी elements का color yellow करना हो तब हम p paragraph tag का यहाँ पर use करेंगे। background commands है यहाँ पर attributes। color हम देना चाहते हैं इसलिए background color और color हमने yellow देना है इसलिए yellow। A option is correct answer। Which of the following is the correct syntax to display the hyperlink without any underline? अगर हमें CSS में without hyperlinks में कोई underline नहीं चाहिए तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम a text decoration underline functions का यूज करते हैं। A option is correct answer। The correct HTML code for inserting an image। Insert image करने के लिए HTML में हम कौन सा कोड यूज करते हैं? करेक्ट कोड इनमें से कौन सा है? जब भी हम HTML में कोई इमेज इंसर्ट करनी होती है तो हम img टैग का यूज करते हैं। SRC सोर्स लगाते हैं इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में जाओ हमारी इमेज का नेम है उस नेम को लिख के पॉइंट उसका एक्सटेंशन नेम लगाते हैं GIF। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ये थी हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट।